अब आ जाते हैं, चलिए अपने असल मसले की तरफ आ जाते हैं और बात को समेटने की कोशिश करते हैं कि जो अब जो बिलखसूस जो हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मोबलिन सिंह भी हमने बर्दाश्त किया, फसादात भी हमने बर्दाश्त किया, बाजाबता मुनजम अंदाज में हमारी इमलाकों को लुटा गया बर्दाश्त किया, हमारे जवानों को शहीद किया गया बर्दाश्त किया, खवातीन की इसमत रेजी की गई हमने बर्दाश्त किया, हर चीज़ को हमने बर्दाश्त किया, जेल की सोहबतें भी बर्दाश्त की, बड़े बड़े उलमा को जो सो जेलों की सोहबतों का शिकार बनाया जा रहा है बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम जो सो कायदीन को बाजाबता हलाक किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, वो भी बर्दाश्त करते, लेकिन जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर हर्फ आता है तो वहाँ तो हमका जो सुधरा सुनने का जो जाविया है हमारा तब्दील हो जाता है। तो इस वक्त जो जो माहौल बन रहा है तो उसको रोकना भी ज़रूरी है। ये तो हम बार बार जो सो शान रिसालत में जो सो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए जो मुसलमानों को इस वक्त क्या रोल प्ले करना चाहिए।